लीजिए सामईन, श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी पेश कर रहे हैं एक शहरे बनारस का सच्चा वाकया, जिसका उनवान है तवायफ से मोहब्बत, जिसमें एक तवायफ है और एक 16 साल का लड़का है जो तवायफ को एक दिन देख लेता है और उसका दीवाना हो जाता है। तवायफ इतनी खूबसूरत है, जो भी उसे देख लिया करता है वो उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन इस लड़के का और इस तवायफ का इस वाक़े में आखिर में क्या अंजाम होगा, सामईन मुलाहिज़ा करें। शायर हैं खुर्शीद रसूल भी, आवाज़ें हैं दिलबर मिराज बदायूनी, रिकॉर्डिंग की है ग़ुलाम साबिर साहब ने और संयोजक मुसर्रत अली जी। लीजिए सामईन मुलाहिज़ा करें तवायफ से मोहब्बत। करता हूँ एक सच इबारत, खुर्शीद पेश करता हूँ एक सच इबारत, खुर्शीद पेश करता हूँ एक सच इबारत। कोठे पे रहने वाली तवा यब से मोहब्बत, पेश करता हूँ एक सच इबारत, खुर्शीद पेश करता हूँ एक सच इबारत। कोठे पे रहने वाली तवा यब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली नौजवान लड़के की उस पर पड़ी नजर, चेहरे को उसके देख कर दिल पर हुआ असर, हुस्नो जमाल देख कर दीवाना हो गया, दुनिया के हर ख्याल से बेगाना हो गया, नाजुक कली चमन में वो ताजा तरीन पेशा था, नाच गाने का बेहद हसीन थी, कोठे की छत पर बैठती आकर वो सुबह शाम, उस माहेरू का दोस्त तो ये रोज का था काम, लड़के के दिल को भा गई सूरत वो चांद सी, उसके बगैर बदनुमा लगती थी जिंदगी, कर बैठा मुस्तरद था वो सब घर का अपने काम, आंखों से उसको देखता करता था ना कलाम, उसके दिलो दिमाग पर छाई थी महजबी, लगता ना कोई दूसरा उस शोख से हसी, डूबा हुआ था लड़का तवा यफ के इश्क में, खोया हुआ वो रहता तवा यफ के इश्क में, मजनू की तरह हो गई उस लड़के की हालत, लड़के की हालत। कोठे पे रहने वाली तवा यब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा यब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा यब से मोहब्बत।
लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन ये उस तवायफ को जब देखता है तो उसके इश्क में इतना खो जाता है कि ये अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाता है। और माँ बाप जब इसे देखते हैं कि हमारा बच्चा उदास रहता है, माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन आगे इस बंद में इस लड़के का क्या होता है मुलाहिज़ा करें। कॉलेज का स्टूडेंट था पढ़ने में होशियार, होता शरीफ लड़कों में उस लड़के का शुमार, दिल उसका पढ़ने लिखने से अब दूर हो गया, वो दिल के हाथों दोस्तों मजबूर हो गया, पागल था उसके इश्क में वो देखता जिधर, सूरत हंसी तवायफ की आती उसे नजर, ये सोचता था हर घड़ी आखिर मैं क्या करूं, किस तरह जाके रूबरू महबूब से मिलूं, लड़के ने पढ़ने लिखने से दिल को हटा लिया, उस शौक में जबीन को दिल में बसा लिया, घर वाले कश्मा कश्म थे लड़के को क्या हुआ, गुमसुम ये लड़का रहता है क्या है ये माजरा, छाया हुआ था इश्क का उस पर खुमार था, एक पैकरे हसीन से लड़के को प्यार था, सब आन बान शान को मिसमार कर दिया, दीवानगी के रोग को तैयार कर लिया, तवायफ से बात करने की होती न थी हिम्मत, तवायफ से बात करने की होती न थी हिम्मत, तवायफ से बात करने की होती न थी हिम्मत, कोठे पे रहने वाली तवायफ से मोहब्बत, चर्चा था सारे शहर में तवायफ के हुस्न का, उड़ जाते हो शुबा खुदा जो उसको देखता, आगे क्या होगा दोस्तों सुन लोगे जल्द तर, दीवाना कोई है मेरा तवायफ की बेखबर, जो चाहता सुबह से इकरार ना किया, पागल था लड़का प्यार का इजहार ना किया, छत पर तवायफ आती थी मामूल रोज का, एक बार उस तवायफ से ना बात कर सका, जब तक न देख लेता था होता था बेकरार, हर रोज अच्छे मौके का करता था इंतजार, खुशियों की उस दीवाने पर बरसात हो गई, घर से जो निकला राह में मुलाकात हो गई, हिम्मत जुटा के सीने में कहता था दिल नशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिन रात हर घड़ी, परसों से मैंने आपका दीदार है किया, अब आके अपने प्यार का इजहार है किया, दिल में नजर में बस गई है आपकी सूरत, दिल में नजर में बस गई है आपकी सूरत, दिल में
की सूरत कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत तवायफ। जब लड़के की मुंह से ये बात सुनती है, वो लड़का कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला जो मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता। लेकिन वो तवायफ उस लड़के की जब बात सुनती है तो कहती है कि देखिए मैं एक तवायफ हूँ, ये दुनिया वाले मुझे तुम्हारा नहीं होने देंगे क्योंकि मुझे लोग बुरी नज़रों से देखते हैं। तो वो लड़का कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे इश्क में दीवाना हो बैठा हूँ। तो वो तवायफ कहती है उस लड़के से कि चलिए ठीक है, तुम मेरे लिए इश्क में क्या कर सकोगे। और वो लड़का वहाँ से घर जाता है और क्या करता है मुलाहिजा करें। सुनकर ये बात लड़के की तवायफ ने ये कहा, कोठे की मैं तवायफ हूँ तुमको नहीं पता, गंदी नजर से देखते दुनिया में है बशर, धंधा ये करने वाली है कहते हैं देख कर, हमको बुरी निगाहों से दुनिया है देखती, खुश हो के फिर भी काटते हम अपनी जिंदगी, दुनिया में जिस्म नोचने वाले हैं बेशुमार, मुझ बदनसीब नारी से कर सकता कौन प्यार, लड़के से बोली जाइए खुद को संभालिए, दिल से मेरे ख्याल को अपने निकालिए, लड़का ये बोला आप पर कुर्बान है जा मेरी, कैसे जीऊंगा आप बिन हो मेरी जिंदगी, इजहार मेरे प्यार का कर लीजिए कबूल, मुद्दत से चाहता हूँ तुम्हें जाऊं कैसे भूल, हंस कर हंसी तवायफ ने लड़के से तब कहा, अब मेरे वास्ते सुनो तुम कर सकोगे क्या, मैं वो करूंगा दुनिया को हो जाएगी हैरत, मैं वो करूंगा दुनिया को हो जाएगी हैरत, मैं वो करूंगा दुनिया को हो जाएगी हैरत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से वो लड़का बड़ा कोशिश करता है लेकिन तवायफ नहीं मानती है और वो कहती है कि मैं एक तवायफ हूँ, देखो ये दुनिया तुम्हें मेरा नहीं होने देगी और ना ही मुझे तुम्हारा होने देगी। तब वो लड़का इश्क के जुनून में उस तवायफ से क्या कहता है मुलाहिजा करें। पल पल तू मोहब्बत को मेरी याद करेगी, पल पल तू मोहब्बत को मेरी याद करेगी, जब तुझसे बिछड़ जाऊंगा फरियाद करेगी, तोड़ा है दिल ये तूने अब मेरा बेवफा, ये बेरुखी हम दोनों को बर्बाद करेगी। अब सुनिए आगे दोस्तों लड़के ने क्या किया,
तवायफ से बात करके वो घर अपने आ गया। चेहरा था उसकी आंखों में उसमें जबीन का, दिल में ख्याल बस गया बेहद हसीन का। ऐसा किया किसी ने ना वैसा करूंगा मैं, जा हुस्न बेमिसाल पे कुर्बा करूंगा मैं। हर किस न उसके साथ में धोखा करूंगा मैं, जो कुछ करूंगा इश्क में अच्छा करूंगा मैं। उस नौजवान के सर में एक सौदा समा गया, कागज के आशिकी के उस किस्से को लिख दिया। लिखा था खत में इश्क का अहवाल बरमला, महबूब को मैं देता हूँ इनाम जान का, देता हूँ उसके प्यार में खुश हो के अपनी जान। ये है हमारी सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान, मरने के बाद खत उसे पढ़कर सुनाइए, हंसी लगा के मरता हूँ उसको बताइए। मैं साथ लिए जाता हूँ तेरे प्यार की दौलत, प्यार की दौलत। कोठे पे रहने वाली तवायफ से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवायफ से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवायफ से मोहब्बत। सामईन, वो लड़का उस तवायफ के इश्क में फांसी लगाकर मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो एक खत लिखता है और उस खत में लिखता है कि मेरे जनाजे को मेरे महबूब की गली से निकालना, यानी उस तवायफ की गली से निकालना, ताकि वो ये देख ले कि मैंने उसके इश्क में क्या क्या किया, यानी इतना किया कि अपनी जान दे दी और वो मरते दम तक मुझे याद रखे। आगे क्या होता है मुलाहिज़ा करें। खत में लिखी वसीयतें यारो न टालना, माशूक की गली से जनाजा निकालना। लड़के ने अपनी जान दी हंगामा मच गया, ये सुन के पूरे शहर में कोहराम मच गया। पहुंची खबर ये थाने में तब आ गई पुलिस, सूली पे लटकी लाश थी घबरा गई पुलिस। खत देखा थानेदार ने अहवाल था लिखा, जो वारदात गुजरी थी अफसर समझ गया। लड़के ने की है खुदकुशी थी इश्क की तपिश, फौरन पुलिस ने डाल दी कोटे पे थी दबिश। पहुंची पुलिस तवायफ को गिरफ्तार कर लिया, उस दिल नशी ने इश्क का इकरार कर लिया। तेरी वजह से माहरू लड़का ये मर गया, धोखा दिया है प्यार में तेरी है ये खता। इल्जाम तुझ पे कत्ल का कैसे बचाएगी, दुनिया में तू किसी को भी क्या मुंह दिखाएगी। इकलौता बेटा चल बता है तेरी बदौलत, इकलौता बेटा चल बसा है तेरी बदौलत, इकलौता बेटा
पता है तेरी बदौलत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से तवायफ ये थानेदार से कहती थी बार बार, अफसोस उसको मौत का आंखें थी अश्कुबार, बेहद वो प्यार करता था मुझको न थी खबर, एक रोज उसके प्यार को लग जाएगी नजर, उसकी कुसूर बार हूँ मंजूर है सजा, मैं उससे दूर हो गई है ये मेरी खता, एक बार उसको देख लूं एहसान कीजिए, कोठे की छत पे जाऊं मैं ये मान लीजिए, खुद को मैं उसके इश्क में सरशार कर सकूं, महबूब का मैं आखिरी दीदार कर सकूं, देती हूँ उसके प्यार का मैं तुमको वास्ता, ये सुन के उस तवायफ से अफसर ने कह दिया, मेरी तरफ से अब तुझे मिलती है इजाजत, हसरत है दिल की देख ले महबूब की मैयत, धोखा दिया तो इसका भी अंजाम जान ले, भागेगी छत से मौत है इनाम जान ले, कानून इसकी दे नहीं सकता है इजाजत, सकता है इजाजत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत, कोठे पे रहने वाली तवा अब से मोहब्बत। सामीन हजरात, इस आखिरी बंद में खुर्शीद रसूल भी क्या कहते हैं मुलाहिजा करें। वो लड़का जो खत लिख जाता है और उस खत में सारी बात लिख देता है, वो दरोगा जब पढ़ता है तो वो दरोगा उस तवायफ को कोठे पर जाकर गिरफ्तार कर लेता है और वो तवायफ से कहता है कि तेरी वजह से ये लड़का मरा है, अब तुझे सजा मिलेगी। लेकिन वो तवायफ कहती है दरोगा से कि मुझे उस लड़के की अब सूरत दिखा दीजिए, और आगे वो तवायफ क्या करती है उस लड़के के इश्क में, मुलाहिजा करें। सिंगार करने बैठी थी फौरन वो हम नशी, सजने में अपने करती थी कोई ना वो कमी, दुल्हन की तरह सजती तवा यफ थी दोस्तों, क्या होगा इसका माजरा अब गौर से सुनो, किस दर्जा वो हसीन थी सूरत वो चांद सी, छत पर खड़ी थी जैसे हो आकाश की परी, शादी का जोड़ा अपने बदन पर सजाए थी, दिल में नजर में इश्क की शम्मा जलाए थी, बदला है कैसा देखिए तकदीर ने निजाम,
हैरत से उसको देखने लगते थे खास वाम। आया जनाजा उसकी गली में था जिस घड़ी, मैयत पे उस तवायफ की जिस दम नजर पड़ी, मारी छलांग कोठे से नीचे वो गिर गई। अफसोस सद अफसोस तवायफ भी मर गई, जिंदा थे मिल ना पाए थे अब शाद हो गए, दुनिया की बंदिशों से भी आजाद हो गए। खुर्शीद दोनों हो गए इस दुनिया से रुखसत, खुर्शीद दोनों हो गए इस दुनिया से रुखसत, खुर्शीद दोनों हो गए इस दुनिया से रुखसत। कोठे पे रहने वाली तवायफ से मोहब्बत, कोठे